कि आज हमारे संस्थान में शायद ये पहला अवसर होगा कि मतलब जब एसपी सर जब यहाँ पर आए डिंडोरी से और ये हमारे कोचिंग संस्थान में आए तो पूरे बैतूल जिले के कोचिंग को छोड़ के एक प्राथमिकता अपने कोचिंग को दी है, तो बहुत ही गर्व की बात है। क्षमा भी चाहूंगा, हमारी बहुत पहले सर से मुलाकात हुई थी, व्हाट्सएप में तो बात होती रहती है, लेकिन सर की इच्छा थी कि मतलब आपके कोचिंग संस्थान में मतलब हम आएंगे, लेकिन मैं भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि कई बार तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से सर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में और अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग और आपको और भी टीम को बुलाएंगे। तो आप सभी लोगों ने इतना इतना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया, स्पेशली जो रोजगार के क्षेत्र में कैसे डेवलप हो। सही बात है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि हमारे देश का डेवलपमेंट शिक्षा से तो होगा, लेकिन उसके लिए देखो हर समाज, देखो एक नौकरी करने वाला हर व्यक्ति, मैं भी बोलता हूँ नौकरी वाला व्यक्ति अपने परिवार को बीवी बच्चों को पाल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये सही बात है। ये जो अच्छे अच्छे पदों में जो बैठे हैं वो लोग भी अपना अनुभव शेयर करके बताते हैं, और जो बिजनेस होता है वास्तव में बिजनेस किसी प्रकार का, जैसे अपन बात कर रहे थोड़ी देर पहले, मैं एक दो दिन पहले हमारे जो बारी वाले बच्चे या ग्यारह वाले बच्चों को सुपर 30 मूवी दिखाया था, कई सारे लोग बोलते हैं कि राजा दुबे आपके ऊपर ये बनी है मूवी, ये सही भी बात है, क्योंकि हम लोग एक प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं, कई बिजनेस में टोटल ही फायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन हम लोगों को मेवा तो मिल रही है, लेकिन साथ में आप लोग जिंदगी आपकी जिंदगी भर के लाइफ भी बना रहे हैं। शिक्षा से बेहतर मैं ऐसा मानता हूँ, अगर बहुत अच्छा पढ़े लिखे लोग हो तो अगर हम यहाँ पे अच्छे कोचिंग संस्थान को मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो आज यहाँ से देखो कि इतने सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में और सिविल में जा रहे हैं। सही, जब मैं 2010 से पहले जब 2006 में पास आउट हुआ था 12th, यहाँ पे कुछ नहीं था, मैं MBBS 3rd year में था, तो मैं सागर से अपडाउन करता था सर, फ्राइडे निकलता था, सैटरडे और संडे लेक्चर लेता था, और फिर संडे शाम को निकलता था 10 बजे वहां पहुंच के फिर से हॉस्पिटल में जाएंगे, मतलब कहा था। कई लोगों ने हमको डिस्करेज किया है, जैसे बात करें, मैं देखो मैं हमेशा बाबा साहब का भक्त रहूंगा, बाबा साहब ने बहुत बढ़िया संविधान में एक लाइन लिखा है, पहले लाइन, भारत देश एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है यहाँ पर जाति धर्म का कोई वैल्यू नहीं, मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने अधिकार को पाने के लिए। तो हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे कोचिंग संस्थान की, तो एक चीज है, जैसे वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो सच्चाई है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आज बोलते हैं आदिवासी लोग सबसे पीछे ही बोलते हैं, पूरे देश में पीछे होंगे लेकिन बैतूल शहर में आदिवासी का बच्चा टॉप पर है। हमने किसी बच्चे को बुलाया है, हमने अपनी क्वालिटी के दम पे लोगों का जो बोलते ना ध्यान आकर्षण कराया, सर ने ध्रुवे सर ने बिल्कुल सही कहा है कि आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके सामने भीड़ ऑटोमेटिक खड़ी जाएगी, आपके साथ जबरन चलने को तैयार होते हैं, मतलब जिससे कुछ मिलना है अपने भविष्य में वो व्यक्ति के साथ हमेशा भीड़ होती है। तो अभी वर्तमान में शिक्षा, जैसे पहला वर्ड हमारे सर ने बोला, इसके सर ने किसी भी समाज का अगर विकास होता है तो वो है शिक्षा, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी मानसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आजादी के 73 साल बाद भी हमारा देश लंगड़ा क्यों, मैं कई बार कई मंत्रियों के सामने जब मीटिंग हुई तो बोलता हूँ, यहाँ के विधायक सांसद सबको बोल चुका हूँ, यहाँ तक की जो पिछले पिछड़े साहब थे उनको भी बोला, सिर्फ एक महीने का पावर डॉक्टर ध्रुवे को देते शिक्षा, बैतूल की तस्वीर को पूरे इंडिया लेवल पे टॉप कर आते बता। हमने जो देखा है मेडिकल की टीम इतना एनर्जेटिक काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम तो सिर्फ कोचिंग में कर सकते हैं, स्कूल व्यवस्था प्राइमरी ही गड़बड़ होती है, प्राइमरी से लेके बोले तो 5वीं 8वीं बोर्ड है हमारे बोर्ड का,
हम पढ़ के पार हो गए थे। आज बच्चा टीचर को चैलेंज कर सकता है क्या, मुझे फेल नहीं कर सकती, रूल में लिखा है कि आपकी हद फेल करना ही नहीं। तो ऐसा बच्चा पास होने करेगा क्या? वो सिर्फ पास होगा, उसके पास एक कागज की मार्कशीट होगी जिसमें नंबर होंगे और वो दिमाग से लंगड़ा होगा। सही, एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब अब मैं तो जापान था, जापान हिरोशिमा के ऊपर ये अमेरिका ने जब बम ब्लास्ट किया था, परमाणु बम गिराया था, तो उसको भी उसी समय और इंडिया को भी उसी समय, लेकिन उसको थोड़ा कम समय, लेकिन वो देखो ना आज पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फेमस है जापान। आज भारत देश आजादी के 73 साल बाद भी ये कंडीशन कैसे? आज बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास क्वालिटी नहीं है। आज बच्चा कॉलेज करने के बाद क्या करना है वो नहीं मालूम, वो नहीं बता पा रहा है। तो अगर हमारा भारत देश, कई सारे लोग विगत 2-3 वर्षों में हमारे कुछ जनप्रतिनिधि ने बोला था कि भारत देश विश्व का गुरु बनेगा 21वीं सदी में, कैसे बनेगा? 21वीं सदी में गुरु तभी बनेगा जब हम पहले हमारे देश के गुरु बनेंगे। आज हमारे देश में हम आपस में लड़ रहे हैं, सही, यूनिटी नहीं है, एकता में अनेकता ही भारत की होती ना, अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है एकता नहीं, अनेकता है लेकिन एकता नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए जब तक इसमें एकता नहीं आएगी ना तब तक मजबूत नहीं बनेगा, और जब तक मजबूत नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं जाएंगे। जिस दिन मुट्ठी बन जाएगी उस दिन हम सब चुप हो गए। मैं लगातार सोचते रहता हूँ कि हमारे बैतूल शहर की संपूर्ण आसपास के जो जिले हैं, मध्य प्रदेश है चाहे देश हो, मैं चाहता हूँ, मैं सर ये बच्चे लोग बैठे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, इनको बोलते रहता हूँ क्या पूरे भारत देश में अगर बात करते हैं तो 100% में से 20% गर्ल्स भी नहीं है प्रशासनिक सेवाओं में, और आपको प्रशासनिक सेवा में ही जाना पड़ेगा। आज जो शहरों में आज इतने सारे क्राइम्स हो रहे लड़कियों के, अरे एक जिले में एक एसपी बन के आ जाओ किसी की मजा लेंगे लड़की के साथ छेड़छाड़ कर। रियल पावर प्रशासनिक, और उसके बाद दूसरा जो मैं बताया राजनीति, लेकिन राजनीति में अच्छे लोग जाना चाहिए, राजनीति में टैलेंटेड व्यक्ति जाना चाहिए, अच्छी सोच वाले व्यक्ति जाना चाहिए, तब जाके हमारा देश डेवलप होगा, तब जाके मतलब एक प्रकार से एकता और डेवलपमेंट होगा। सही, आज देखो ग्रामीण अंचलों में देखो, एक्चुअली देखो अब बिजनेस की बात हो रही थी तो मैं बिजनेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब तुम्हारे माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि सभी लोग रोजगार के क्षेत्र में क्यों बोल रहे हैं? देखो मैंने अक्सर कर देखा हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, तो अनपढ़ व्यक्ति रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, वो छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनियां में अगर वो करना है आपने रोजगार या कुछ भी करना है तो उसमें पढ़ाई की जरूरत होती है और वहां के लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। सही, मल्टीनेशनल कंपनियों में नॉलेज, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा अपने बिजनेस को। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अच्छा होता है। सही, तो अपने दिमाग के अंदर ये लाइए आप लोग कि अपने को कैसे मतलब अपने करियर में आगे बढ़ना है। सही, तो जब ऐसा सोचोगे रात दिन सोचोगे, देखो आज मैं मैथिलियों की बात अगर एक बात कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बैतूल में एक कांड सुना था कि आज कई जगह कई बार क्राइम्स होते हैं और जहां पे पुलिस विभाग पहुंच नहीं पाती तो लोग गालियां देते हैं। सोचो अगर एक चौक में पुलिस अगर नहीं रहेगी तो जितने मोटरसाइकिल वाले रहेंगे ना उन पर पूरी ट्रक चढ़ जाएगी। ये पुलिस वालों का दहशत है, इसलिए आज मोटरसाइकिल छोटी मोटी गाड़ियां वाले सही चल रहे हैं, मतलब बड़ी गाड़ियां कंट्रोल है, सब चीजें कंट्रोल है, अपनी फैमिली को छोड़ के लगभग 24 घंटे ड्यूटी होती है। अभी शायद सरकार चेंज हुई तो 12 घंटे का कुछ की है, लेकिन वो भी लागू हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखो अगर इतनी सेवा कर रहे हैं पुलिस विभाग, लेकिन मैक्सिमम लोगों के मुख से सुनता हूँ यार ऐसा करते नहीं, ऐसा नहीं, आप एसपी साहब के बारे में नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। डिंडोरी जिले में सर कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान में हर दिन देते थे, पढ़ाने जाते थे पुलिस विभाग के साथ, ये बहुत गर्व की बात है।
मैंने उससे बात भी किया है कि मैं आपके कोचिंग संस्थान में जब भी संडे संडे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपके कोचिंग संस्थान में बच्चों को आधे घंटे डेली पढ़ाने का काम करूंगा। ये बहुत गरीब है, हम लोग सर के लिए व्यवस्था बनाएंगे, मतलब उसके लिए पूरे बच्चे लोगों को थोड़ा एक टाइम बताएंगे और सर के पास 5-10 मिनट भी हो तो बिल्कुल हमारे सर, मतलब हम तो आप ही के जूनियर हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहना चाहिए। हम सब मिल के, मतलब चाहे वो हमारे जिले की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, इसके डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे, सभी लोग सहभागी बने। सही, वो तो देखो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैं बोलता हूँ ना मेरा कॉन्सेप्ट है अकेले हम भूत हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम भूत हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम अल्फाज हैं और मिल जाए तो जवाब है। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए और सर एसपी सर का और हमारे जो दुर्गे सर है उनका समस्त एमसी परिवार की ओर से और बच्चों की ओर से मतलब धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू सर।